गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द अनदर फाइलम दैट इज फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा फाइलम एनिलिडा ये एस्केलेंथिस के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स फाइलम है। इसके अपने कुछ यूनिक फीचर्स हैं। इसके मेंबर्स की मैं बता देता हूं ताकि आपके माइंड में एक इमेज बन जाए कि हम किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म है जिससे हम सबसे ज्यादा फैमिलियर होते हैं वो है अर्थवर्म। अर्थवर्म इसी फाइलम के अंदर आता है। तो अर्थवर्म के फीचर्स जो है वो हम यहाँ पे याद रख सकते हैं। इसके अलावा लीच इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लीच भी इसका मेंबर है। और एक ऑर्गेनिज्म है नेरिस, ये जनरली ओशन वाटर के अंदर यानी मरीन वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अर्थवर्म को लेके अर्थवर्म की इमेज माइंड में रखे हम इस टॉपिक को कैरी आउट कर सकते हैं। एनिलिडा फर्स्ट फीचर क्या होता है इसका, यानी कि इस फाइलम को एनिलिडा ही क्यों बोला जाता है। एनिलिडा द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम bears small annules. Annules means small rings का मतलब होता है इसका small rings. The members of this phylum bear small annules externally. Hence called annelida. ये जो फाइलम है इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं उनमें स्मॉल एन्यूल्स यानी कि बाहर से छोटी छोटी रिंग्स देखने को मिलती हैं और इन रिंग्स के बेस पे ही इसको एनिलिडा बोला जाता है। तो एनिलिडा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बाहर से भी रिंग्स दिखाई देते हैं, अंदर भी रिंग प्रेजेंट होती है, लेकिन बाहर से रिंग प्रेजेंट होती है इसलिए इसको एनिलिडा बोला जाता है। सेकेंड फीचर कि इसके जो मेंबर्स है वो मिलते कहां पे, अक्रेंस क्या होती है इसकी। The members of this phylum may be aquatic, पानी के अंदर हो सकते हैं। अब aquatic में फ्रेश वॉटर के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं और मरीन वॉटर के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। फ्रेश वॉटर की बात की जाए तो फ्रेश वॉटर के अंदर प्रेजेंट होता है लीच, जिसको जोक भी बोलते हैं। ब्लड सकिंग लीच यहां पे है, तो ये ब्लड सकिंग लीच फ्रेश वॉटर यानी कि पॉन्ड वॉटर वगैरह में प्रेजेंट होता है। मरीन वॉटर के अंदर प्रेजेंट होता है नेरिस। एक्वेटिक होने के साथ साथ ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। जो टेरेस्ट्रियल मेंबर है वो कौन सा होता है, यहां पे टेरेस्ट्रियल मेंबर है अर्थवर्म। ये टेरेस्ट्रियल कंडीशन में देखने को मिलता है। तो अक्रेंस में फ्रेश वॉटर के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, मरीन वॉटर के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं या लैंड के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनको टेरेस्ट्रियल कंडीशन में कंसिडर किया जाता है। अब नेक्स्ट जो फीचर है वो है इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दे हैव organ system level, they have organ system level of body organization. They have organ system level of body organization, यानी कि यहां पर जो organs है वो organ system बना देते हैं। तो एस्केलेमेंथिस के comparison में organ system ज्यादा developed होते हैं यहां पर। तो organ system level of organization होती है। Fourth point, अब यहां पे पैटर्न ऑफ ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, तो यहां पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है, यानी कि यहां पे माउथ और एनस सेपरेट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, दैट इज माउथ एंड एनस आर प्रेजेंट।
माउथ और एनस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। जैसे लीच की बात करें तो लीच का जो ये वाला पार्ट है एंटीरियर पार्ट है, यहाँ पे माउथ प्रेजेंट है, और ये पोस्टीरियर पार्ट है, यहाँ पे एनस प्रेजेंट होता है। तो फूड को अपटेक करने का जो पार्ट है वो अलग होता है, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको रिलीज करने का पाथ अलग होता है। इसके अलावा नेरिस, नेरिस की बात करें तो यहाँ पे इसका माउथ है और यहाँ पे इसकी एनस होती है, जहां से अपने अनडाइजेस्टेड मटेरियल को रिलीज कर देता है। तो फोर फीचर्स ये हैं इसके। Another important feature that is they have closed circulatory system. ये पहला फाइलम है जो अभी तक हम स्टडी कर रहे हैं जिसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, यानी कि यहां पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो भी कौन से टाइप का, क्लोज टाइप का, जिसमें हार्ट ब्लड को पंप करता है और ब्लड ब्लड वेसल्स के क्लोज नेटवर्क के अंदर फ्लो करता है। तो एस्केलमेंथिस में कोई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था, यहाँ पे पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप होता है, वो भी क्लोज टाइप का। तो इफेक्टिव कंट्रोल, इफेक्टिव जो रेगुलेशन है ब्लड का, यहाँ पे कैरी आउट होता है, तो इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। सिक्स, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट फीचर है, ये सिमेट्री कौन सी शो करते हैं, तो ये एग्जिबिट करते हैं बायलेटरल सिमेट्री, एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री इनके अंदर देखने को मिलती है। सेवंथ फीचर, बायलेटरल सिमेट्री के बाद नेक्स्ट फीचर आता है कि ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो एस्केलमेंथिस की तरह ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं नेचर में, ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, नेचर में ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक के बाद नेक्स्ट फीचर आता है सिलोम, क्या इनके अंदर ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, क्योंकि प्लेटेलमेंथिस में कोई सिलोम नहीं थी, एस्केलमेंथिस के अंदर सूडो सिलोम थी, लेकिन क्या यहां पे सिलोम प्रेजेंट है, तो यहां पे ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है। दीज आर सिलोमेट, सिलोमेट एनिमल्स, ये सिलोमेट एनिमल्स हैं, इनमें बॉडी कैविटी लाइन बाय मेसोडर्म, यानी कि बॉडी कैविटी जिसको अंदर से मेसोडर्म लाइन करती है वो प्रेजेंट होती है, तो ये सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। सिलोमेट के बाद नेक्स्ट फीचर आता है सेगमेंटेशन, तो यहां पे जो सेगमेंटेशन वो प्रेजेंट होती है, और सेगमेंटेशन भी कौन से वाले, मेटामेरिज्म, जिसमें जो बॉडी है वो एक्सटर्नली और इंटरनली साइमल्टेनियसली सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। दीज ऑर्गेनिजम्स शो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म मींस जहां पे बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है, उसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। मैंने आपको जनरली इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स के अंदर ही बताया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, तो यही अकेले ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है, यानी कि बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली साइमल्टेनियसली सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, और हर सेगमेंट पे कुछ ऑर्गन रिपीट होते हैं, इसलिए यहां पर मेटामेरिज्म देखने को मिलती है। मेटामेरिज्म के बाद नेक्स्ट फीचर आता है कि जो इसके सेगमेंट्स है, एक जैसे सेगमेंट्स यहां पर अपियर होते हैं, इन सेगमेंट्स को बोलते हैं रिपीटेड, जो रिपीटिंग सेगमेंट्स है उनको बोलते हैं मेटामियर्स, रिपीटिंग सेगमेंट्स आर नोन एज मेटामियर्स। ये मेटामियर्स हैं, यानी कि बहुत सारे सेगमेंट्स यहां पर रिपीट हो रहे हैं। जैसे लीच की अगर हम बात करें, लीच के अंदर जो बॉडी है वो जनरली 33 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। अर्थवर्म की बात करें,
अर्थवर्म के अंदर 100 से लेके 120 सेगमेंट्स में बॉडी डिवाइड होती है, यानी कि 100 से लेके 120 तक उसकी बॉडी के सेगमेंट्स होते हैं। तो जो सेगमेंट्स है उनको मेटामियर्स बोला जाता है। तो सेगमेंटेशन इनकी बॉडी के अंदर देखने को मिलती है और इन्हीं सेगमेंटेशन के बेस पे इनको एनिलिडा बोला जाता है। नेक्स्ट फीचर, अभी तक जो ऑर्गेनिज्म हमने स्टडी किए थे, जैसे प्लेटिहेलमिंथस अटैच रहता है किसी जगह पे, यानी कि उसकी बॉडी में अटैच रहता है, फ्री लिविंग हो सकता है, स्केलमेंथिस में भी हमने स्टडी किया था। यहाँ पे जो मेंबर्स है ये लोकोमोशन शो करते हैं, और लोकोमोशन जो शो करते हैं यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, उसके लिए इनके अंदर दो तरह की मसल्स प्रेजेंट होती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स यानी बॉडी की लेंथ के अलोंग यहां से लेके यहां तक इस तरह की मसल्स प्रेजेंट होती है, और सर्कुलर जो इनकी बॉडी को सराउंड करती है, बॉडी को कंस्ट्रिक्ट करने में या इलोंगेट करने में, दोनों तरह की मसल्स यहां पे प्रेजेंट होती है। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ बोथ लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स। लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स, दोनों तरह की मसल्स यहां पे प्रेजेंट होती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी होती है और सर्कुलर मसल्स भी यहां पे प्रेजेंट होती है। तो दोनों तरह की मसल्स प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये मूव कर पाते हैं। तो ये उनके मूवमेंट के रिगार्ड में पार्ट हो गए। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है कि इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, पहली बार ये पॉइंट यहाँ पे एग्जिबिट हो रहा है। बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, टेट्राब्लास्टिक है, सिलोमेट है, पहली बार ट्रू सिलोम भी इन्हीं ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलती है। यही पहले ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर मेटामेरिज्म यानी कि सेगमेंटेशन इंटरनली और एक्सटर्नली या सेगमेंटेशन ही देखने को मिलती है, इससे पहले कोई सेगमेंटेशन नहीं थी। रिपीटिंग से जो सेगमेंट्स है उनको मेटामियर्स बोलते हैं। लीज के अंदर 33 सेगमेंट्स होते हैं, अर्थवर्म के अंदर 100 से लेकर 120 सेगमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। बॉडी वॉल के अंदर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स, दोनों तरह की मसल्स प्रेजेंट होती है। नाउ नाइन्थ पॉइंट, जैसे नेरिस एक्वेटिक फॉर्म है, मरीन वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसमें लेटरल अपेंडेजेस ये वाले जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये वाले जो पार्ट है बाहर दिख रहे हैं, सारे लेटरल अपेंडेजेस हैं जिनको बोलते हैं पैरापोडिया। एक्वेटिक फॉर्म लाइक नेरिस, एक्वेटिक फॉर्म लाइक नेरिस हैव लेटरल अपेंडिजेस। अपेंडिजेस का मतलब होता है स्ट्रक्चर, जैसे हमारी बॉडी में हमारे हैंड्स हमारे लिए लेटरल अपेंडिजेस हो गए हैं, तो एक्वेटिक फॉर्म्स में नेरिस में लेटरल अपेंडिजेस होते हैं कॉल्ड पैरापोडिया। ये पैरापोडिया होते हैं, जो पैरापोडिया होते हैं दीज हेल्प इन स्विमिंग, ये इसको स्विम करने में हेल्प करते हैं, हेल्प इन स्विमिंग, इसकी स्विमिंग में ये हेल्प करते हैं, यानी कि इन्हीं पैरापोडिया की हेल्प से ये स्विम कर पाते हैं। इसके अलावा अर्थवर्म में भी लेटरल अपेंडिजेस होते हैं जिनको सीटी बोलते हैं, अर्थवर्म के अंदर उनको बोला जाता है सीटी इन केस ऑफ अर्थवर्म, हालांकि वो एक्सटर्नली इतने सारे विजिबल इतनी इस तरीके से विजिबल नहीं होते, बिल्कुल छोटे होते हैं, लेकिन उनकी हेल्प से वो बरो के अंदर यानी कि किसी बिल में जाना या बिल से बाहर निकलना वो उन्हीं सीटी की हेल्प से कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो इनके अंदर पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं जिनसे ये एक तरीके का जो स्विमिंग है वो कर सकते हैं, अर्थवर्म के अंदर वो बिल से बाहर आना या बिल के अंदर जाना वो कैरी आउट कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन इज कैरिड आउट बाय द हेल्प ऑफ
नेफ्रिडिया, एक्सक्रीशन नेफ्रिडिया की हेल्प से होता है। नेफ्रिडिया एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, ये कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आपने किडनी में नेफ्रॉन पढ़ा था बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, और ये बॉडी के बाहर यानी कि जो स्किन पार्ट है वहां पे ओपन होते हैं, तो बॉडी के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक या टॉक्सिक वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर डायरेक्टली रिलीज कर देते हैं, तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ट्यूबुलर यानी कि ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, तो नेफ्रिडिया ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे एक्सक्रीशन कैरी आउट किया जाता है। इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो भी प्रेजेंट होता है, यानी कि जो सिस्टम इनके रेस्पॉन्स करने में काफी हेल्प करता है, तो वेल डेवलप्ड होता है बाकी ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, और नर्वस सिस्टम में होता क्या है, नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ सेरिब्रल सेरिब्रल गैंग्लिया connected to ventral double connected to double ventral nerve cord, ये ventral side में इसके nerve cord present होता है, उससे cerebral ganglia connected होते हैं, कुछ किस तरीके से present होते हैं। जैसे अगर मान लो अर्थवर्म की बात करें, अर्थवर्म की बॉडी का ये anterior part है, मान लेते हैं यहां पर इसका माउथ पार्ट प्रेजेंट है जहां से फूड मटेरियल को अपटेक करता है, तो इसमें ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल हो जाती है, यानी कि जहां पे फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है जिसके अंदर। अब इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, अ पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया। सेरिब्रल गैंग्लिया का मतलब क्या होता है, सेरिब्रम, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ब्रेन का जो पार्ट होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है सेरिब्रम, तो दो सेरिब्रम होते हैं इसलिए उनको सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोला जाता है, बड़े पार्ट जो होते हैं ब्रेन के। तो यहां पे गैंग्लिया का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स, नर्व सेल का जो पूरा ग्रुप होता है उसको बोला जाता है गैंग्लिया या गैंग्लियोन, सिंपली गैंग्लियोन, दैट इज ग्रुप ऑफ नर्व सेल बॉडीज, नर्व सेल बॉडीज का जो ग्रुप होता है उसको गैंग्लियोन बोलते हैं। तो यहां पे गैंग्लिया कहां पे प्रेजेंट है, दो प्रेजेंट होते हैं यहां पे, ये गैंग्लियोन होते हैं यानी कि सेरेब्रल गैंग्लियोन होते हैं। हमारे साइड में जो नर्व कोड है वो बैकबोन यानी कि वर्टिब्रल कोलम के अंदर प्रेजेंट है, जिसको हम स्पाइनल कोड बोलते हैं, लेकिन यहां पे स्पाइनल कोड या जैसे नर्व कोड जो है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, आगे की तरफ प्रेजेंट होता है, यानी कि यहां पे प्रेजेंट होता है, और यहां पे हर सेगमेंट के अंदर एक गैंग्लियोन प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से ये सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया यहां पे प्रेजेंट होते हैं। सेरिब्रल जो गैंग्लिया है वो इस वेंट्रल नर्व कोड से जुड़े होते हैं इन लेटरल नर्व से, तो इस तरीके से यहां पे ब्रेन की तरह काम करते हैं, और यहां पे सारी इंफॉर्मेशन नीचे ट्रांसमिट कर दी जाती है। तो इनके अंदर डबल, एक तो पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया होते हैं जो डबल वेंट्रल नर्व कोड से कनेक्ट होते हैं, ये सारे नर्व कोड आपस में कनेक्ट होते हैं गैंग्लिया नर्व कोड के, तो इस तरीके का नर्वस सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होता है, तो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही इनके अंदर देखने को मिलता है। तो दोबारा से मैं एक बार रिव्यू करा देता हूं आपको, ये पॉइंट 9 पॉइंट है, एक्वेटिक फॉर्म लाइक नेरिस एंड लेटरल अपेंडेजेस, इसमें लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जिनको पैरापोडिया बोलते हैं, जिसके हेल्प से स्विम कर पाता है। 10th एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको नेफ्रिडिया बोलते हैं। नर्वस सिस्टम यहां पर प्रेजेंट होता है,
बाकी मेंबर्स के कंपैरिजन में वेल डेवलप्ड होता है। यहाँ पे सेरेब्रल गैंग्लिया दो होते हैं, जो नीचे डबल वेंट्रल नर्व कोड, यहाँ पे जो सिंगल ही देखने को मिले, कट करेंगे तो दो पार्ट में होते हैं वो, तो डबल वेंट्रल नर्व कोड होता है जो इसकी बॉडी के वेंट्रल साइड में रिपीट होता है। तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे वेंट्रल साइड ये होगी, पीछे की साइड सेरेब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट हो, वहां से आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाए और फिर पूरी बॉडी के अंदर वो ट्रांसमिट करे। तो इस तरीके का जो नर्वस सिस्टम है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे नेरिस, नेरिस जो मेंबर है ये डायसियस होता है। डायसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। यूनिसेक्सुअल ये होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर होता है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, पानी के अंदर होता है यानी बॉडी से बाहर होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है पहले लार्वा बनता है, तो यहां पे जो लार्वा बनता हुआ है क्रोकोफोर, क्रोकोफोर लार्वल स्टेज बनती है, लार्वा बनता है, उसके बाद उस लार्वा से अडल्ट स्टेज में चेंज हो जाता है। अगर लीच और नेरिस की बात की जाए, सॉरी लीच और अर्थवर्म की बात की जाए, लीच एंड अर्थवर्म, लीच और अर्थवर्म दोनों बाइसेक्सुअल होते हैं यानी कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल होते हैं यानी कि दोनों के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर मान लो ये जैसे दो मार्क करेगी, एक अर्थोम ये है दूसरा अर्थोम ये है, तो एक अर्थोम का माउथ ये वाला पार्ट है, दूसरे का अर्थोम का माउथ पार्ट ये है, तो ये दो अर्थोम दोनों के अंदर मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उनके खुद के मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं होते, बल्कि एक्सचेंज यहां पे भी होता है। अब एक अर्थोम अगर इस तरीके से प्रेजेंट है तो दूसरा इस तरीके से जाके उसके साथ अटैच हो जाता है और इनके बीच में स्पर्म्स का एक्सचेंज होता है, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन इनके केस में होता है। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन इनकी बॉडी के बाहर एक सेल्स का एक स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर जैसे अर्थोम के अंदर क्लाइटेलम बोलते हैं उसको, उस क्लाइटेलम के अंदर एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है, तो वैसे तो बॉडी से बाहर है लेकिन उस क्लाइटेलम के अंदर इनका फर्टिलाइजेशन होता है। लीच और अर्थोम के अंदर जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है, यानी कि डायरेक्ट जो है वो अडल्ट लाइक ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, यानी कि यंग वर्म बनता है, कोई लार्वा नहीं बनता। डेवलपमेंट और यू कैन से डायरेक्ट डेवलपमेंट, कोई लार्वा नहीं बनता, डायरेक्ट डेवलपमेंट इनके केस में होता है। तो इस तरीके से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो आप तीनों को एग्जाम्पल की फॉर्म में लिख सकते हैं, नेरिस लीच को हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया ये साइंटिफिक नेम है इसका, हिरुडिनेरिया, और अर्थोम के लिए फेरिटीमा, फेरिटीमा पोस्थुमा ये वर्ड यूज किए जाते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल है। सो दैट इज ऑल अबाउट द फाइलम एनिलिडा। नाउ द नेक्स्ट फाइलम दैट इज द फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं उनसे हम काफी फैमिलियर हैं, क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं जैसे मस्कीटोज, जो मॉस्किटोज हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, कॉकरोच इंक्लूड होते हैं, एंट्स होती हैं, बटरफ्लाईज हैं, स्कॉर्पियंस हैं, और इसके अलावा सेंटीपीड है जो इसको हम कनखजूरा बोलते हैं,
ये सारे या हाउस फ्लाइज है जो मक्खी होती है, ये सारे इसके मेंबर्स है, तो इनके मेंबर्स हम अच्छे से फैमिलियर हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया है। अब इसके कुछ साइलेंट फीचर्स है, इसके भी कुछ इंपोर्टेंट फीचर्स है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो इसका नाम आर्थ्रोपोडा क्यों रखा गया है? द टर्म आर्थ्रोस, द टर्म आर्थ्रोस का मतलब होता है ज्वाइंटेड, और पोडास का मतलब होता है या पोडा सिंपली दैट इज अपेंडेजेस, अपेंडेजेस। टर्म आर्थ्रोस में ज्वाइंटेड, पोडा मीन्स अपेंडेडेड, यानी कि यहां पे जो अपेंडेजेस है यानी कि जो इसके बॉडी के पार्ट एक्सटेंड करते हैं सेंट्रल एक्सिस से, सेंट्रल बॉडी पार्ट से, वो सारे ज्वाइंटेड होते हैं। जैसे इसके जो लेग्स है वो उनमें ज्वाइंट होता है, एंटीना जो पार्ट होता है उसमें ज्वाइंट होता है, तो इसके ज्वाइंटेड पार्ट्स होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है आर्थ्रोपोडा, हेंस कॉल्ड, हेंस कॉल्ड आर्थ्रोपोडा। इसलिए इसको आर्थ्रोपोडा बोला जाता है। अब इस आर्थ्रोपोडा के दूसरे फीचर्स क्या हैं? दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, ये सबसे बड़ा फाइलम है, यानी कि सबसे ज्यादा तरह के ऑर्गेनिज्म और सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म इसी फाइलम के अंदर होते हैं। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम होता है, सबसे ज्यादा मेंबर यहां पे देखने को मिलते हैं। मेंबर्स मेंबर्स में भी एक्वेटिक, इसके मेंबर एक्वेटिक हो सकते हैं, एक्वेटिक में फ्रेश वाटर और मरीन वाटर, जैसे क्रैब होते हैं, प्रांस होते हैं, ये आपने देखे होंगे डिस्कवरी चैनल वगैरह पे, तो इनको ओशन वाटर से कैप्चर किया जाता है। सो दे मे बी एक्वेटिक, मीन्स ये फ्रेश वाटर के अंदर हो सकते हैं, फ्रेश और मरीन वाटर एक्वेटिक हो सकते हैं, मे बी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, जमीन के ऊपर भी ये रहते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों कंडीशन में ये देखने को मिलते हैं। फोर्थ पॉइंट, अब एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल कंडीशन के बाद अब इनके फीचर्स की बात करते हैं, जो जनरल जिसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल तक प्रेजेंट होती है, यानी कि एनिलिडा की तरह ये भी काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यहां पे भी कंप्लीट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, यानी कि यहां पे हार्ट ब्लड को पंप तो करता है लेकिन बॉडी के अंदर वो भर जाता है, ब्लड वेसल से बाहर रहता है, ब्लड वेसल्स में नहीं होता, ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप्ड होती है, बहुत ही कम होती है, इसलिए यहां पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का होता है। सिमेट्री, दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि ये एग्जिबिट करते हैं, एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री, इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं नेचर में, ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर,
थ्री जर्म लेयर से इनका डेवलपमेंट होता है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं नेचर में, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के बाद नेक्स्ट फीचर आता है सिलोम, यानी कि बॉडी कैविटी। तो इनके अंदर सिलोम प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो ब्लड से भरी होती है, इसलिए इसको हीमोसील बोलते हैं। ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट बट फील्ड विद ब्लड, हैंस कोल्ड हीमोसील, इसलिए उसको हीमोसील बोला जाता है। वो ब्लड से भरी हुई कैविटी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके बाद सेगमेंटेशन, तो ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है, बॉडी इज सेगमेंटेड, बॉडी के अंदर सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं। तो पहला ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा फाइलम एनिमल किंगडम का, यानी कि अगर 10 एनिमल रैंडमली कलेक्ट किए जाए पूरी अर्थ से, तो उन 10 में से 7 जो मेंबर होंगे वो अकेले आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं नेचर में। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। बाइलेटरल सिमेट्री ये शो करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं नेचर में, ट्रू सिलोम यहाँ पे प्रेजेंट होती है और ब्लड से फिल्ड होती है, इसलिए इसको हीमोसील बोलते हैं। और बॉडी यहाँ पे सेगमेंटेड होती है, यानी कि इसकी बॉडी भी सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। इलेवेंथ, बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू, बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ये तीन पार्ट के अंदर बॉडी डिवाइड होती है, डिफ्रेंशिएटेड होती है। जैसे ये हेड पार्ट है इसका, देन थोरेक्स एंड दैट इज एब्डोमेन पार्ट। तो जो बॉडी है वो हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन पार्ट के अंदर डिफ्रेंशिएट होती है। तो बॉडी के अंदर डिफ्रेंशिएशन यहां पे होता है, सेगमेंट बाहर से भी दिखाई देते हैं। तो बाहर से यानी कि एक्सटर्नली बॉडी सेगमेंटेड होती है। इसके बाद इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो कंप्लीट है। जो माउथ पार्ट है वो दो तरह के होते हैं, सकिंग टाइप और बाइटिंग टाइप, यानी कि किस चीज को काटना है या उसका फ्लूइड सक करना है। माउथ में भी सकिंग टाइप और च्यूइंग टाइप, यानी कि किसी चीज को च्यू करना या बाइटिंग, जनरली इसको बोल सकते हैं, नॉट च्यूइंग, दैट इज बाइटिंग, काटना। जैसे कॉकरोच के केस में बाइटिंग टाइप का होता है, वो सक नहीं कर सकता किसी भी लिक्विड को, जबकि जो बटरफ्लाइज है उसमें सकिंग टाइप का होता है, वो फ्लावर का या किसी भी चीज का जो जूस है वो सक कर सकती है। तो जो माउथ है वो सकिंग टाइप या बाइटिंग टाइप का प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा इनके केस में जो ये कह सकते हैं सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव सेंसरी स्ट्रक्चर्स। सेंसरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर जिससे एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस को ये रिसीव कर सकते हैं। दे हैव सेंसरी स्ट्रक्चर्स लाइक, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, पहला होता है आइज। आइज इनके केस में सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। कंपाउंड का मतलब जैसे
अगर एक फ्लाई को, हाउस फ्लाई को ध्यान से देखा जाए तो उसकी जो आईज है वो इस तरीके की देखने को मिलती है हमें। उसकी आईज के अंदर इस तरह के बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। तो ये जो कंपार्टमेंट्स है ये रिप्रेजेंट करते हैं कंपाउंड आईज को। और जैसे हमारी आईज है इस तरह की, हमारी तो काफी कॉम्प्लेक्स आईज होती है वैसे, लेकिन यहाँ पे आईज बिल्कुल सिंपल टाइप की भी हो सकते हैं जिसमें ये इस तरह के पार्टीशन ना हो। तो दोनों तरह की आईज हो सकती हैं। इसमें दूसरे सेंसरी ऑर्गन होते हैं एंटीना। एंटीना इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे एंटीना प्रेजेंट हो सकते हैं। जो एंटीना होते हैं वो भी एनवायरमेंट को चेक करते हैं। इसके अलावा बैलेंसिंग ऑर्गन इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बैलेंसिंग ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स जिनको बोलते हैं स्टेटोसिस्ट। जैसे हमारे ईयर के अंदर जो इंटरनल ईयर है वहां पे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो हमें बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, ऐसे यहाँ पे बैलेंसिंग ऑर्गन में स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। ये बैलेंस करने में इनको मदद करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। रेस्पिरेशन में टेक प्लेस थ्रू गिल्स, जो गिल्स है उसके थ्रू हो सकता है। जैसे क्रैब, इनके जो मेंबर है क्रैब के अंदर गिल्स के थ्रू होता है। इसके अलावा बुक गिल्स यहां पे प्रेजेंट हो सकती है, जैसे स्कॉर्पियन के अंदर होते हैं बुक गिल्स और बुक लंग्स के थ्रू हो सकता है। बुक गिल्स या बुक लंग्स और ट्रैकिया, ये पूरा ट्यूब्स का एक स्ट्रक्चर बना होता है, नेटवर्क होता है, जैसे कॉकरोच के केस में होता है। तो रेस्पिरेशन इस तरीके से हो सकता है। एक्सक्रीशन, जो इनके केस में एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन टेक प्लेस बाय बाय माल पिगियन, माल पिगियन ट्यूब्यूल्स। इनके अंदर 100 से लेकर 150 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे इनके केस में एक्सक्रीशन कैरी आउट होता है, यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इनके केस में जो रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। और जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि लार्वा बन भी सकता है और लार्वा ना भी बने। जैसे स्कॉर्पियंस होते हैं, स्कॉर्पियंस के अंदर जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है। स्कॉर्पियंस, जबकि कॉकरोच है, एंट्स है उनके अंदर, या सॉरी कॉकरोच है, मस्कीटोज है, इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मेंबर्स, इसमें आप बहुत सारे मेंबर्स हैं, इनको आप एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं। जैसे हनी बीज हो गया, एक होता है लैक इंसेक्ट जो लाख बोलते हैं, एक केमिकल होता है उसको बनाने में यूज होते हैं। बोम्बिक्स जो सिल्क वर्म है वो आ जाता है। जो मॉस्किटोज हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। लोकस्टा जिनको लोकस्ट बोलते हैं, ग्रास हॉपर की तरह होते हैं, टिड्डे की तरह होते हैं, वो इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा इसमें एक लिविंग फोसिल होता है जिसको बोलते हैं लिमुलस। लिमुलस की उसको लिविंग फोसिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो काफी एंशियंट टाइम में डेवलप हुआ था और लगातार आज भी प्रेजेंट है। वो एक्सटिंक्ट नहीं हो पाया, जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे, वो एक्सटिंक्ट नहीं है, वो आज भी प्रेजेंट है और काफी ओल्ड स्ट्रक्चर वो रिप्रेजेंट करता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द फाइलम आर्थ्रोपोडा।